सीएम ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। नए साल की सीएम ने दी शुभकामनाएं। जनता से की सरकार के सहयोग की अपील। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान, सोच समझकर पांच साल चलेगी सरकार। लग्जरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का होगा खुलासा। राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन, आईआईटी मंडी में 30वां कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में तमाम लोग रहे मौजूद। नए साल में नोपल वेलफेयर संस्था की पहल, शिक्षा के क्षेत्र में संस्था करेगी काम। 3 स्कूलों को लिया जाएगा गोद। और नए साल के जश्न मनाने शिमला पहुंच रहे पर्यटक, हर दिन 3000 वाहन की हो रही एंट्री। शिमला में होटलों में ठहरने के लिए नहीं बची जगह। नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षु। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन और जवाबदेही शासन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की है। नमस्कार, मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू सभी हिमाचल वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं और मेरी सरकार आपको ये वचन देती है कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन और जवाबदेही शासन के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सभी प्रदेशवासियों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय मंगलमय हो, खुशियां भरा हो और नव वर्ष में मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अपेक्षा करता हूं कि आप हमारी सरकार को आशीर्वाद देंगे और अपना सहयोग देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है। मुकेश ने कहा कि विपक्ष द्वारा अभी से तेवर दिखाना शुरू हो गया है और आपको बता दें कि जबकि 5 साल का लंबा सफर है, इसलिए विपक्ष को धैर्य रखना चाहिए। अभी तो विधायकों ने अपनी कोठियां अभी खाली नहीं की हैं और वो अभी से ही सरकार पर बरसना शुरू हो गए हैं। मुकेश ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ढोल बजाकर अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में लग्जरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मामले पर कहा कि ये एक बड़ा स्कैम है, इसका आने वाले समय में भंडाफोड़ किया जाएगा क्योंकि देश भर में लग्जरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन किए जाने पर पाबंदी लगाई गई थी और इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में लग्जरी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुई है, जिसको लेकर उन्होंने आदेश जारी कर दिया है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने मंत्रिमंडल के विस्तार पर सवाल पर इसका जवाब दिया है और कहा कि इसे मुख्यमंत्री का अधिकार बताया है और उन्होंने जयराम सरकार को भर्ती और घोटालों की जननी बताया है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार को इतिहास में भर्ती घोटाले करने वाली सरकार के नाम से जाना जाएगा। जो भी एक्शन बनता होगा कायदे के मुताबिक वो एक्शन लिया जाएगा। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी 20 लाख में रजिस्टर कर दी और जो भी इसके पीछे होंगे वो अंजाम भुगतेंगे। विधानसभा सत्र जो है वो आने वाला है, किस तरह के मुद्दे जो है वो इस विधानसभा सत्र में रहे? नहीं, 4-5-6 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। पहला सत्र है इस विधानसभा का और इसमें तो विधायकों की शपथ होनी है, जो नए चुने विधायक हैं उनका शपथ होगा और उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा और राज्यपाल का अभिभाषण होगा। चलिए खबरों पर आगे बढ़ेंगे। शनिवार को आईआईटी मंडी में 30वां राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया है और सम्मेलन का आयोजन हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी दूरसंचार परिषद द्वारा किया गया है। सम्मेलन की थीम स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना है और इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए वैज्ञानिक परियोजना सपोर्ट विज्ञान गतिविधि को ने गणित ओलंपियाड विज्ञान प्रश्नोत्तरी और नवीन विज्ञान मॉडल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। ये सम्मेलन 4 दिन तक चलेगा और बता दें कि इस सम्मेलन के बाद अहमदाबाद के सम्मेलन में 16 बच्चों का चयन किया जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट कांग्रेस है उसका 30वां जो राज्य स्तरीय सम्मेलन यहाँ आई आई टी
ओनली एट कमांड में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश और आईआईटी कमांड के माध्यम से आयोजन उसका किया गया है। मुझे खुशी है कि पहले ये सब डिवीजन लेवल पे बच्चों का कंपटीशन हुआ, सब डिवीजन लेवल से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे कंपटीशन नहीं गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला में डीडीयू और आईजीएमसी अस्पताल में लंगर चलाने वाली नोफल वेलफेयर और चैरिटेबल सोसाइटी अब नए साल में लंगर के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान देने वाली है। संस्था नए वर्ष में दुर्गम इलाकों के 3 स्कूलों को गोद लेगी और बच्चों को मुफ्त में शिक्षा की सामग्री उपलब्ध कराएगी। जो संस्था द्वारा डीडीयू हॉस्पिटल से जब से हमने शुरू की तब से लेकर आज तक की जो उपलब्धियां थी और आने वाले नए साल के अंदर जो संस्था करने जा रही है, ये उन उपलब्धियों के बारे में थी जो कि मैंने इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो आप सबको दी है, जिसके अंदर की एजुकेशन के लिए काम किया जाएगा, बच्चों के लिए स्कूल्स अकेडमीज, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो इंटीरियर एरियाज के अंदर है उसका काम जो है वो नए साल से शुरू किया जाएगा। अभी हम लोगों ने जो है वो 52 बच्चे जो है बगैन स्कूल के अडॉप्ट किए हैं और उनका पूरा खर्चा जो जैसे स्वेटर्स थे, जूते थे, वो उनको अभी हम बीते 26 तारीख को दे के आए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बद्दी के नवनियुक्त थाना प्रभारी राकेश राय ने बद्दी थाने में रोड सेफ्टी क्लब की बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में स्थानीय व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों का प्रतिनिधि मंडल और ट्रैफिक इंचार्ज बद्दी मौजूद रहे। बैठक में स्थानीय लोगों को जाम से निजात दिलाने के लेकर सुझाव लिए और दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि आज की बैठक के बाद विचार किया गया कि जल्द ही बद्दी व्यापार मंडल, नगर परिषद और पुलिस की एक बैठक की जाएगी जिसमें जाम से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। आज जो हमारे नए SHO राकेश राय जी आए हैं, उन्होंने बड़ा इसके लिए प्रयास किया है कि जो बद्दी में जाम की समस्या उसको हल करने के लिए इन्होंने पहल की है और एक आज यहाँ व्यापार मंडल के साथ और जो बुद्धिजीवी थे बद्दी उनके साथ एक मीटिंग की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि भविष्य में जल्दी ही बद्दी में जो जाम की समस्या उसको हल किया जाए और जो अपना एक बैठक रखी जाएगी जिसमें नगर परिषद, व्यापार मंडल और पुलिस विभाग के जो होंगे सभी इकट्ठे होकर के एक मीटिंग रखेंगे। बहुत जल्दी उसका जो है समय और जो डेट है वो निर्धारित कर दी जाएगी। जी आज व्यापार मंडल के प्रधान जी आए थे, उनके साथ जो अन्य लोकल गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए थे और इसमें जो बद्दी में बढ़ती ट्रैफिक समस्या है उसको लेकर चिंतन हुआ और चिंतन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था कैसे व्यवस्थित किया जा सके और साइड रोड से ट्रैफिक कंजेशन को हटाया जा सके इस बारे में विचार विमर्श किया गया है। इसके बाद हम लोग एक और मीटिंग करेंगे, उसमें व्यापार मंडल को, नगर परिषद को शामिल करके उनके साथ एक प्लान चॉकआउट करके किसी प्रकार से जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने की कोशिश की जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और नव साल पर मेले के चलते श्री नैना देवी मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और रंग बिरंगी लाइटों के मनमोहक दृश्य श्रद्धालुओं को काफी भा रहे हैं। पंजाब की समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा श्री नैना देवी मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाने का कार्य किया जा रहा है और ये कार्य बहुत ही बखूबी किया जा रहा है। मंदिर न्यास के अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर और मंदिर अधिकारी बिपिन ठाकुर ने मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। हालांकि नववर्ष मेले के चलते पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं को पहुंचने का क्रम जारी हो गया है। माता नैना देवी दे जाने वाले साल का मत्था टेकन वास्ते, नवे साल की खुशियां मंगन वास्ते माता के दरबार पहुंचे हैं। उरे माता के दरबार भवन बहुत सुंदर सजे है, मौसम बहुत बढ़िया है माता दरबार च। जय माता दी। नव वर्ष का आगमन होने वाला है, वर्ष 2022 समाप्ति की ओर और वर्ष 2023 आने वाला है और नववर्ष के उपलक्ष्य पर माता नैना देवी में हर वर्ष मेला लगता है और इस बार भी जो माता नैना देवी के दरबार में मेला लग रहा है 30 तारीख से लेकर ये 2 तारीख तक मेला चलेगा। इस मेले के दौरान श्रद्धालु दूर दूर से अपने नए साल की शुरू करने से पूर्व माता के चरणों में शीश नवाने आते हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु यहाँ पर सभी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। तो हिल्स क्वीन शिमला नए साल के जश्न के लिए तैयार है। नववर्ष 2023 के स्वागत के लिए काफी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। शिमला के रिज और माल रोड सैलानियों से गुलजार है और नए साल के जश्न में व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पुलिस बल रिज और रफ्तार के क्षेत्रों में तैनात है। और वहीं आपको बता दें कि बाहरी राज्यों
की बात करें तो यहाँ पर पर्यटक नए साल को लेकर जश्न मनाने के लिए काफी संख्या में आते हैं और यहाँ पर रिज मैदान और उसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। शिमला में मौसम और अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। नए साल का जश्न परिवार और दोस्तों के साथ शिमला में मनाने के लिए यहाँ पर पर्यटक आते हैं। मौसम तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बर्फ देखना है, बर्फ तो उन मिली ने सोन भाव। हाँ जी, नए साल के लिए जी। कितने लोग आए इकट्ठे? हम सात जने। हाँ जी, तीन दिन से रुके हुए हैं। यहाँ पर फर्क तो है ही है, हरियाणा में इतनी ठंड नहीं है जितनी यहाँ ठंड है। और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं यहाँ के। और बढ़िया, जो अपना यहाँ का क्लाइमेट है बहुत अच्छा है, खाना पीना बहुत बढ़िया है यहाँ का, और एंजॉय बहुत मस्त कर रहे हैं। आज नया साल यही मनाएंगे और आज रात को यही रुकेंगे, यही स्टे बनाएंगे, यही अपना फुल एंजॉय करेंगे। जितना एंजॉय होता है हमने हरियाणा के, जो होता ना मस्ती का, वो एंजॉय करेंगे, नाचे गाना फुल एंजॉय करेंगे। और खाना भी ठीक ही है और सही। मेरा नाम सिकंदर है, हम दिल्ली से हैं। दोस्तों के साथ आए हैं, ठीक एंजॉय कर रहे हैं। मुझे चोट लगी फिर भी मैं आ रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, बट ठीक है फिर भी अच्छा लगा हमें। पहले कभी शिमला आए थे या पहली दफा? नहीं, पहले भी आए थे। चलिए खबरों पर आगे बढ़ेंगे। और नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी पूरी तरीके से तैयार है। और यहां पर आपको बता दें कि शिमला शहर के सभी होटल पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं और पर्यटकों का शिमला में आना पूरी तरीके से शुरू हो गया है। काफी तादाद में शिमला पर्यटक पहुंच रहे हैं और बीते दो दिनों से ज्यादा, आपको बता दें कि 3,000 से ज्यादा पर्यटकों के वाहन शिमला आ रहे हैं। और वहीं पुलिस विभाग ने शहर में कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। शहर में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। अभी शिमला शहर में डेली 3,000 गाड़ियां एंटर कर रही हैं और अभी प्रेजेंटली 6,000 से ज्यादा गाड़ियां दूसरे स्टेट की हमारे यहाँ पे है शिमला शहर में। और हम लोगों ने अपने पूरे एरिया को सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है और 300 से ज्यादा लोगों को डिप्लॉय कर दिया है। इसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा रिजर्व मंगवाई है और अपने पहले से ही एंटी बॉम्ब स्क्वाड को डिप्लॉय कर दिया है और साथ साथ में हम लोगों ने अपनी जो साइबर टीम है उन सबको भी एक्टिवेट कर दिया। कोविड रिलेटेड मेरी टूरिस्ट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्राउडेड स्पेसेस को जहां तक हो सके अवॉइड करें। तो पहाड़ों की रानी शिमला में यहां पर आपको बता दें कि पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और यहां पर नए साल के जश्न मनाने के लिए शिमला में पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।